हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपने 1.6 चैप्टर का बेसिक देख लिया था, इसके फॉर्मूले देख लिए थे। उन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित 1.6 के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई ऐसे समुच्चय हैं कि एक्स और वाई दो समुच्चय हैं, एन एक्स इक्वल हमें दिया है 17, एन वाई इक्वल दिया 23, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल 38 हो तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात। यहां पर एक्स के अवयवों की संख्या दे रखी है, वाई के और दोनों के टोटल अवयवों की और दोनों में कॉमन अवयवों की पूछिए। तो हमें पता है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर। We know that, यहां हम जानते हैं कि एन एक्स यूनियन वाई इक्वल होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये फॉर्मूला याद है, सिर्फ ये एक फॉर्मूला ही इनमें अप्लाई होगा। तो देखो यहां पर इसमें एन एक्स यूनियन वाई की वैल्यू कितनी है 38, एन एक्स की वैल्यू 17 प्लस एन वाई 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहां पर ये माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इससे ले आता हूं, तो प्लस का हो जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई 17 प्लस 23, 7 3 10, 2 1 3 और 1 4, ये प्लस के 38 है, इस साइड जाके माइनस के 38 हो जाएगी। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल कितना आ गया हमारे पास प्लस के 2। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू पूछे। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है। सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है आप खुद करोगे। इसमें क्या पूछा है, इसमें भी एक्स इंटरसेक्शन वाई के अवयवों की संख्या पूछी है, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई ही पूछा। तो ये सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन आप सेकंड इसका खुद करोगे। थर्ड क्वेश्चन, चार सौ व्यक्तियों के समूह में, देखो थर्ड क्वेश्चन में बोलता है 400 व्यक्ति हैं टोटल, इनके समूह में 250 तो हिंदी, इस 400 में से 250 तो हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 200 अंग्रेजी बोल सकते। देखो उसने बोल दिया टोटल व्यक्ति हैं 400, इनमें से 250 तो बोलते हैं हिंदी और 200 क्या बोलते हैं अंग्रेजी। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी भी बोलेंगे प्लस में अंग्रेजी भी बोलेंगे, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों कॉमन। इंटरसेक्शन की वैल्यू पूछिए, देखने पर पता चल रहा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलेंगे, ठीक है। तो मान के चलोगे, माना एच उन व्यक्तियों का समुच्चय है, ये लाइन लिखोगे सबसे पहले, माना कैपिटल एच उन व्यक्तियों का समुच्चय है जो हिंदी बोलते। एच से किसको डिनोट कर रहे हैं, हिंदी, और ए उन व्यक्तियों का समुच्चय है जो अंग्रेजी बोलते हैं, ए से किसको डिनोट कर रहे हैं अंग्रेजी, और ए उन व्यक्तियों का समुच्चय है जो क्या बोलते हैं अंग्रेजी बोल। तो यहां पर हिंदी और अंग्रेजी यानी टोटल बोलने वाले टोटल व्यक्ति कितने हैं, एन ऑफ एच यूनियन ए, एच यूनियन आ गया इसका अर्थ सारे के सारे टोटल व्यक्ति, ये यूनियन और इंटरसेक्शन बताया वो, सारे के सारे टोटल व्यक्ति कितने हैं 400, एन ऑफ एच हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250, एन ऑफ ए इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 200। अब उसने पूछा हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही बोलने वाले, ये तो है टोटल व्यक्ति, ठीक है, और ये है जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ए, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों की वैल्यू हमसे पूछी है। तो फॉर्मूला ही अप्लाई करना है सिर्फ सूत्र से,
उत्तर क्या था हमारा एन ऑफ, यहां पर क्या बनेगा एच यूनियन ए, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन, एन ऑफ एच यूनियन ए टोटल कितने हैं 400, इक्वल में एन ऑफ एच 250 प्लस में एन ऑफ ए 200 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ए। तो यहां से माइनस को इस साइड लेके आते हैं तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ए प्लस का हो गया 250, 200 450, ये प्लस के 400 इस साइड जाके माइनस के 400 तो इक्वल है कितना आ गया 50। तो कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही बोलते हैं, तो वो व्यक्ति कितने हैं 50 व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से ही करना है आपने। एस और टी दो समुच्चय दे रखे हैं, एस में 21 है टी में 32 है और एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव है, एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे, सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट इसमें दिया है एक्स और वाई, ये भी यहां पर फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। छठा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, 65 व्यक्तियों के समूह में सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो अपने डाउट आप कमेंट्स में लिख के छोड़ सकते हो, जो भी डाउट है आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाए। पैंसठ व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस। तो देखो इसमें कितने व्यक्तियों का समूह है, 65 व्यक्तियों का समूह, इसमें से 40 व्यक्ति क्रिकेट, 40 क्रिकेट, 10 व्यक्ति टेनिस, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों, क्रिकेट प्लस टेनिस दोनों। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, किंतु क्रिकेट को नहीं, कितने व्यक्ति टेनिस को। अब उसने पूछा केवल, केवल वर्ड यहां पर आ गया, केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति पूछा है, ना कि टोटल व्यक्ति पूछा है। टेनिस को पसंद करने वाले नहीं पूछा, टेनिस को पसंद करने वाले प्लस में उसके साथ क्रिकेट वाले भी आए थे, लेकिन उसने अब बोल दिया केवल टेनिस को पसंद करने वाले। तो देखो यहां पर मान लेते हैं, माना यहां पर सी उन व्यक्तियों का समुच्चय है जो क्रिकेट को पसंद करते हैं और टी उन व्यक्तियों का समुच्चय है जो किसको पसंद करते हैं, टेनिस। माना सी उन व्यक्तियों का समुच्चय है जो क्रिकेट को पसंद करते हैं और टी उन व्यक्तियों का समुच्चय है जो टेनिस को पसंद करते हैं। तो क्रिकेट और टेनिस टोटल हमारे पास कितने हैं, एन सी यूनियन टी, यूनियन में टोटल आए थे कितने हैं, टोटल हमारे पास 65 व्यक्ति, टोटल व्यक्ति हमारे पास कितने हैं 65। इसमें से क्रिकेट पसंद करते हैं एन ऑफ सी इक्वल में 40, क्रिकेट पसंद करते हैं एन ऑफ सी इक्वल में 40 और क्रिकेट और टेनिस ये दोनों ही पसंद करते हैं, ये कॉमन है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इक्वल में 10, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इक्वल में 10। तो यहां पर टेनिस पसंद करने वाले निकालते हैं सबसे पहले, तो सूत्र से एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल में एन ऑफ सी, यहां तो टोटल व्यक्ति आ गए, यहां पर आ गए क्रिकेट वाले प्लस में एन ऑफ टी टेनिस माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी क्रिकेट और टेनिस, तो सी यूनियन टी 65 इक्वल में 40 प्लस में एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी कितना है 10।
एन ऑफ टी इक्वल में 40 माइनस 10 30, तो 30 इस साइड आके माइनस का 65 माइनस 30 इक्वल में 35। तो ये है टेनिस पसंद करने वाले, केवल टेनिस नहीं सिर्फ टेनिस, इसमें क्रिकेट वाले भी हैं, ठीक है। तो ये तो व्यक्ति कौन से हैं जो टेनिस पसंद करते हैं, टेनिस भी है और क्रिकेट भी आएंगे इसके साथ, ठीक है। अब केवल टेनिस नहीं सिर्फ भी केवल टेनिस बोल दो, तो देखो यहां पर केवल टेनिस वाले निकालते हैं, उन व्यक्तियों की संख्या जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, केवल टेनिस पसंद करते, तो केवल टेनिस यानी टेनिस पसंद करने वाले है कितने, एन ऑफ टी माइनस इसमें से क्रिकेट और टेनिस पसंद करने वाले कितने हैं, सी इंटरसेक्शन टी, तो एन ऑफ टी यानी 35 माइनस क्रिकेट और टेनिस वाले कितने हैं दोनों 10, तो इक्वल में कितने रह गए 25। तो केवल टेनिस पसंद करने वाले सिर्फ जो ये भी है, जैसे देखो डायग्राम से समझो इस क्वेश्चन को, वेन डायग्राम वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। देखो जैसे ये 65 व्यक्तियों का समुच्चय है, कितने व्यक्तियों का समुच्चय है 65, इसमें क्रिकेट वाले हैं, ठीक है, टेनिस वाले हैं, यहां तो आगे क्रिकेट वाले और यहां क्रिकेट टेनिस वाले, और यहां पर दोनों ही आ जाएंगे क्रिकेट प्लस टेनिस, क्रिकेट टेनिस वाला ये इतना ही एरिया है यहां से लेकर यहां तक ही। अब बोल रहा है क्रिकेट खेलते हैं 40, क्रिकेट प्लस टेनिस खेलते हैं 10, और टेनिस टोटल ये 65, टेनिस खेलते हैं हमने अभी निकाले थे ये है 35। अब वो बोल रहा है यहां पर अगर देखें, यहां पर ये 35 की जो बात हो रही है, ये 35 सिर्फ टेनिस नहीं है, ये प्लस में यहां से लेकर यहां तक ये है 35 में, ये टेनिस भी है लेकिन कुछ पार्ट किसका आ जाता है, क्रिकेट का भी आ जाता है इसके साथ। अब टेनिस वाले अकेले सिर्फ ही टेनिस के रह जाए तो वो रह जाएंगे यहां से लेकर यहां तक इतने, ठीक है। तो इसमें से ये 10 माइनस करें। अब ये जो क्रिकेट पसंद करने वाले ये 40 इसके समेत हैं, यहां पर केवल क्रिकेट बोलते तो इसमें से ये 10 क्या होंगे, माइनस होंगे, तो केवल क्रिकेट वाले कितने हैं, केवल क्रिकेट वाले 30 ही हैं, समझे, वेन डायग्राम से देखे तो, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, एक कमेटी है उसमें से 50 व्यक्ति तो क्या बोलते हैं, फ्रेंच, पचास व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रखा है, कमेटी में 50 व्यक्ति हैं टोटल, कमेटी में कितने व्यक्ति हैं टोटल 50, 50 में से 20 तो बोलते हैं 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश, 20 क्या बोलते हैं स्पेनिश, और 10 स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही बोलते हैं, स्पेनिश प्लस फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो कितने व्यक्ति उन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, कम से कम एक भाषा तो बोलते ही हो, कहता है हो सकता है दोनों ही बोलते हो लेकिन कम से कम एक भाषा बोलते हो, तो किसकी वैल्यू निकालनी, फ्रेंच को एफ से दर्शा लेंगे, स्पेनिश को एस से, और ये हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन एस, एन ऑफ एस और एन ऑफ एफ, एफ यूनियन एस की वैल्यू पूछिए, कम से कम एक, यानी कम से कम एक पूछे उसमें दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल एलिमेंट्स पूछा है, सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई करना। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, बाकी इसके क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर भी जो डाउट आपके आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दोगे, जो भी क्वेश्चन आपके डाउट में रहते हैं वो दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बाकी जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें, आज के लिए इतना।